हाय दोस्तों, मैं हूँ राज और मैं कुछ नया बताऊंगा आज। मैं आज गुमराह मूवी देखने आया हूँ और हम आज इसी फिल्म का रिव्यू करेंगे। पहले तो हम इस फिल्म की कास्टिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि बिल्कुल घटिया है, जिसके बारे में बात करने का मन है नहीं पर फिर भी करता हूँ। इस फिल्म में कुल मिला के सिर्फ 4 ही स्टार कास्ट है। उसमें से एक है रोनित रॉय, जिसने पुलिस ऑफिसर का रोल किया है। पता नहीं क्यों पर रोनित रॉय पूरी फिल्म में गुस्से में ही था। ऐसा लग रहा था बीवी से झगड़ा करके शूटिंग पे आया है, नहीं तो दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कम पैसे में काम करवाया होगा। पर बंदे ने अपना कैरेक्टर निभाने की पूरी कोशिश की है। अब अगला कैरेक्टर है मृणाल ठाकुर। पता नहीं क्यों इसको कास्टिंग डायरेक्टर ने इसको पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर क्या देख के दिया है। मतलब बंदी ने इतनी गंदी एक्टिंग की है पुलिस ऑफिसर की, ये पुलिस ऑफिसर कम और आरोपी ज्यादा लग रही थी। बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, ऐसा लग रहा था चिल्ला चिल्ला के डायलॉग बोल रहे बस। इसकी जगह पे अगर तब्बू नहीं तो यामी गौतम को लेते थे तो मजा आ जाता था। अब अगला कैरेक्टर है वेदिका पिंटो। इस बंदी ने मूवी में एक्टिंग कम और कंफ्यूज ज्यादा किया है। मतलब किसकी गर्लफ्रेंड है, क्या कर रही है, किसके साथ रह रही है, कहां जा रही है, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। बस मूवी में इसका सीन आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, किसी भूतिया फिल्म की लाइट की तरह। अच्छा वो बंदी का कैरेक्टर ज्यादा नहीं है, नहीं तो मुझे इंटरवल में ही घर आना पड़ता था, क्योंकि बंदी नेक्स्ट लेवल बोर कर रही थी। अब अगला कैरेक्टर है आदित्य रॉय कपूर का। आदित्य का इसमें डबल रोल है और भाई ने दोनों कैरेक्टर में पेट भर के हगा है। मतलब मैं शब्दों में नहीं बता सकता पर इस बंदे ने जो परेशान किया है, इसकी एक्टिंग देख के थिएटर में पब्लिक के मुंह से बस एक ही आवाज निकल रही थी, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। आदित्य की इससे पहले भी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ओम, जिसका बजट था 60 करोड़ और उसने कमाई की थी 5 करोड़ की। मतलब वो फिल्म भी सुपर डुपर फ्लॉप थी। और अभी ये फिल्म आई है जिसका बजट है 50 करोड़ और पहले ही दिन इसका कलेक्शन हुआ है 75 लाख का। मतलब इस हिसाब से इसको कंटिन्यू 50 दिन थिएटर में चलाना पड़ेगा, तब जाके इनका बजट निकलेगा और उसके बाद जो होगा वो प्रॉफिट। पर मुझे नहीं लगता ये 3 दिन से ज्यादा थिएटर में टिकेगी, क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी इतनी घटिया है, ऐसा लगता है 90s की फिल्म देख रहा हूँ मैं। और ऊपर से इन चारों की एक्टिंग सोने पे सुहागा लगा देती है। मैं तो कहता हूँ किसी नॉर्मल इंसान को अगर ये फिल्म दिखा दी तो उसे कोमा में जाने से कोई नहीं बचा सकता। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। शुरुआत में ही दिखाते है कि आदित्य किसी बंदे के घर में घुस के उसका मर्डर कर देता है और वहाँ के सारे सबूत मिटा के वहाँ से चला जाता है। अब इसी मर्डर की छानबीन में पूरी फिल्म निकल जाती है। आगे दिखाते है कि पुलिस बहुत छानबीन करते है पर उनको कुछ भी नहीं मिलता। सारी बिल्डिंग से पूछताछ करते है, आजू बाजू वाले लोगों से पूछताछ करते है पर पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता। और आगे दिखाते है कि कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात को 12 बजे सेल्फी खींच रहा होता है और उस सेल्फी में आदित्य भी आ जाता है। मतलब पीछे की बिल्डिंग का आदित्य का चेहरा भी दिख जाता है जब वो बिल्डिंग से भाग रहा होता है। अब पुलिस वाले उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके आते हैं और उसको लॉकअप में बंद करके बहुत मारते हैं, फिर भी वह जुर्म कबूल नहीं करता। फिर पुलिस वाले बोलते हैं तू कितना भी मना कर, क्राइम सीन पे तुझे देखा गया है और तू ही मुजरिम है, तेरा खेल खत्म। और अगले सीन में दिखाते हैं कि उसका जुड़वा भाई वो भी किसी क्राइम में अरेस्ट हो जाता है और उसी पुलिस स्टेशन में उसको अरेस्ट करके लेके आते हैं। अब आगे सारे पुलिस वाले कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पुलिस वालों के पास सिर्फ फोटो होती है पर अब वो फोटो दोनों में से किसकी है ये किसी को भी पता नहीं। और ये दोनों भी एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं कि खून मैंने नहीं इसने किया, मैंने नहीं इसने किया। आगे दिखाते हैं कि पुलिस वालों के पास कोई भी सबूत नहीं होने के कारण कोर्ट को इन दोनों को भी आजाद करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट का कहना होता है भले 10 आरोपी को सजा नहीं मिलेगी चलेगा पर किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए उन दोनों को आजाद कर दिया जाता है। और यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। मतलब इतनी घटिया कहानी बनाने के लिए राइटर को सिर्फ 10 मिनट लगे होंगे, क्योंकि ऐसी कहानियां 20 साल पहले बन के खत्म हो चुकी है। अब लोग ये देख देख के पक चुके हैं। मतलब लोग पहले ही गेस करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मतलब दो जुड़वा भाई होते हैं, अच्छा होता है एक बुरा होता है, एक टपोरे होता है एक स्टडी करने वाला होता है। मतलब कांड एक करता है, नाम दूसरे पे जाता है। मतलब ये इतनी बवासीर फिल्म है कि इसको देख के किसी भी इंसान का दिमाग खराब हो सकता है। मैं तो कहता हूँ इस फिल्म की टिकट अगर 20 रुपए भी कर देंगे फिर भी थिएटर में कोई नहीं जाएगा। मुझे तो अब बॉलीवुड वाले पे तरस आने लगा है, ये क्या बवासीर बना दिया यार ये लोग। मतलब कभी कभी पता ही नहीं चलता कि इनकी मजबूरी क्या है। मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, ये फिल्म देखने से पहले मुझे जुलाब हो रहे थे पर ये फिल्म देखने के बाद मेरे जुलाब भी बंद हो गए, क्योंकि मैंने थिएटर में इतनी टट्टी देख ली कि मुझे और टट्टी देखने का मन ही नहीं कर रहा अब। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।